हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वर्जन मेरे पास ओपन है और यहाँ पर एक डेटा बना हुआ है जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट्स है और सब्जेक्ट के नाम है। कुल मिलाकर 7-8 सब्जेक्ट है और अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर रो पे सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी रो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है, ये अपने आप सेलेक्ट हो जा रही है। देखिए अगर मैं फिर कॉलम पे सेलेक्ट क्लिक करता हूँ, कॉलम हेडिंग पे, तो ये पूरा कॉलम अपने आप सेलेक्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ पर अगर इस पे क्लिक करता हूँ यानी रो पे, तो रो सेलेक्ट हो जा रहा है और यहाँ कॉलम पे क्लिक करता हूँ कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये कैसे बना, ये कमाल की चीज अगर आपको बनानी है तो आमतौर पर इसके लिए VBA प्रोग्रामिंग करी जाती है एक्सेल के अंदर। तो अगर आप VBA प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं एक्सेल में, आइए समझते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत आसान है, एक बार आप कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग से डेटा भी मैंने बना रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम आइए यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे और ये टोटल हमारा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे तो टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो टोटल हमारा आ गया है, देख सकते हैं ये। ठीक है, अब एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिखिएगा AVERAGE एवरेज। एवरेज का भी आपको फंक्शन मिल जाता है इसमें और यहां पर इसको सेलेक्ट करके टोटल को ना सेलेक्ट कीजिएगा, बाकी सबको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा, एवरेज भी आ जाएगा। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है, इस डेटा में कहीं पर रह करके क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल ए कर दीजिएगा, ये पूरा डेटा हो जाएगा सेलेक्ट। क्योंकि जो भी फॉर्मेटिंग हमें लगानी है इसी डेटा पर लगानी है, तो इसीलिए हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया। हो सकता है कि आपका डेटा और भी बड़ा हो तो आप उस बड़े डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से आपको समझना जरूरी है कि यहां से क्या कैसे करना है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अब क्या करना है, आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। भाई VBA तो लगाना नहीं, अगर VBA लगाना होता तो Alt F11 करके हम VBA लगाते, लेकिन फिलहाल तो हमें VBA लगाना नहीं है। ठीक है, तो विजुअल बेसिक कोड नहीं लगाना है, तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। ठीक है, अब यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी आपको इसमें क्या चूज करना है, न्यू रूल। ये न्यू रूल आपको दिखाई दे रहा है, बस यहीं पर करना है क्लिक। ठीक है, तो चलिए ये न्यू रूल पे करते हैं क्लिक। तो ये क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपको नजर आएगी, देख सकते हैं इसमें कई सारे ऑप्शन आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमारा डेटा तो सेलेक्टेड ही है, देख सकते हैं पहले से, और अब आपको आना है नीचे। कहां आना है, यहां पर देख सकते हैं यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, तो बस इस पे क्लिक रखिएगा। ठीक है, और यहां पर आपको एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स के अंदर एक फॉर्मूला लगाना है। अब वो फॉर्मूला क्या है, कैसे लगेगा, आइए समझते हैं। देखिएगा यहाँ केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव होने का मतलब जो चीज कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखिएगा और जो चीज स्मॉल में है इस फॉर्मूले के अंदर जो मैं लगाने वाला हूं उसको स्मॉल में लिखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं काम। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू प्रेस कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे और का फॉर्मूला लगाइएगा और को आपको लिखना है कैपिटल में, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पे आप लगाइएगा कॉल लिखना है और डबल डॉट कॉमा ओपन करके क्या लिखिएगा, कॉल लिखिएगा और ये कॉल जो होगा वो स्मॉल में होगा, क्या होगा, स्मॉल में। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, कॉल लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कॉल, कॉल यानी कॉलम की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्मॉल में लिख करके डबल डॉट कॉमा क्लोज कर दीजिएगा और फिर इज इक्वल टू लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है कॉलम का फॉर्मूला, तो COLUMN ये कॉलम का फॉर्मूला है, तो कॉलम का फॉर्मूला आप किस में लिखिएगा, तो कॉलम का फॉर्मूला लिखिएगा आप कैपिटल में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, थोड़ी भी गलती होगी तो ये चलेगा नहीं, बंद कीजिएगा इसको और कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगा दिया। अब फिर सेल का फॉर्मूला, वापिस से हम सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले भी हम लगा चुके हैं सेल का फॉर्मूला, तो ये सेल लगा दिया हमने और सेल के अंदर क्या करना है, सेल के अंदर आपको रो पास करना है, तो ये रो स्मॉल में रहेगा ROW और ये डबल डॉट कॉमा में रहेगा, इसे बंद कीजिएगा और बंद करके क्या करना है, बंद करके और फिर इज इक्वल टू लगाना है और फिर यहाँ रो कैपिटल में रहेगा। ठीक है, तो पूरा रो जो फॉर्मूला है यहाँ पे कैपिटल ही लिखिएगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, यानी इस तरीके से आप कर दीजिएगा और इसमें कोई भी आर्गुमेंट आपको पास नहीं करना है, बीच में कुछ भी देना नहीं है। ठीक है, ये कर दिया। अब हम चाहते हैं जब भी हम सेलेक्ट करें कोई भी रो या कॉलम तो वो किस कलर में आए, तो सपोज कीजिए मैं चाहता हूं कि वो येलो कलर में हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर येलो कलर मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा आप बॉर्डर वगैरह चाहते हो तो बॉर्डर भी आप चूज कर सकते हैं यहां से,
जिस तरह का भी आप बॉर्डर चाहते हो यहाँ से बॉर्डर भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बॉर्डर का कलर वगैरह भी चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हम कलर ही चूज करेंगे, तो यहाँ पे फिल पे जाकर के ये कलर हमने चूज कर ही लिया है और अब यहाँ से करना है ओके। तो ये ओके किया और ओके करने के बाद यहाँ से ओके किया तो आप देखेंगे कि अभी कौन सा जो है सेलेक्ट है उसके हिसाब से ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिए ये वाला हाईलाइट हो गया अपने आप, देख रहे हैं ये हाईलाइट हो गया। अगर मान लीजिए इस यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है क्लिक करने से ये देखिए ये रो हेडिंग पे क्लिक किया तो ये पूरी रो हाईलाइट हो गई, ठीक है। मान लीजिए एवरेज वाले पे क्लिक किया तो एवरेज पूरा हाईलाइट हो गया अपने आप। अगर मान लीजिए नाइन वाले रो पे क्लिक किया तो नाइन वाला रो पूरा हाईलाइट हो गया। अगर मान लीजिए इस पे क्लिक किया तो ये पूरा हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। अब देखिए जहां पर भी क्लिक करेंगे उसी कलर में हाईलाइट होगा ये, देखिए जहां पर भी आप क्लिक कर रहे हैं उसी कलर में ये हाईलाइट होता चल रहा है। तो ये सब मैंने दिखा दिया किस तरीके से आपको करना है। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन मान लीजिए कि तभी आपने सोचा कि यहां पर जो हमने हाईलाइट किया है येलो कलर से नहीं करना था, किसी और कलर से करना चाहते थे, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको दिख ही रहा है होम टैब का, यहाँ पर आ जाइएगा और नीचे आ जाएगा न्यू रूल पर, यहाँ आ गए। अभी यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, इस तरीके से ये आएगा। तो वापस से तो इसे पूरा हमने सेलेक्ट कर ही लिया है और फिर वही काम करना है जो हमने अभी पहले किया था, ठीक है। यानी फिर वही फॉर्मूला हमें एंटर करना है, यानी इज इक्वल टू लगा करके और कैपिटल में और इस तरीके से लिखना है। ये भी कैपिटल में रहेगा तो यहाँ पे सेल को कैपिटल कर लीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ कॉल लगाइएगा, COL कॉल। और ये ध्यान रखिएगा कि कॉल जो लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये लगा दिया कॉल और डॉटेड कॉमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज किया तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे और फिर यहाँ पर आप कैपिटल में लिखेंगे तो COLUMN कॉलम हो गया, ब्रैकेट ओपन किया हमने, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया और क्लोज करके कॉमा दे दिया, कॉमा दे करके फिर यहाँ लिखेंगे COL सेल, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर डॉटेड कॉमा में क्या दे देंगे, ROW। ये स्मॉल में रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये किस में रहेगा, ये स्मॉल में रहेगा, रो जो लिखेंगे वो स्मॉल में रहेगा। तो ये स्मॉल में करके डॉटेड कॉमा को क्लोज करके और तब इसे कर दिया क्लोज, यानी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट जैसे ही क्लोज होगा तो फिर इज इक्वल टू ROW रो, ये कैपिटल में रहेगा रो, तो ये हो गया। और ब्रैकेट को ओपन, फिर क्लोज और फिर लास्ट वाला ब्रैकेट क्लोज करके और फिर यहाँ से जो भी कलर चेंज करना है आपको वो कलर आप चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये वाला कलर चाहिए, ये वाला चाहिए, जो भी चाहिए वो कलर आप ले लीजिए और यहाँ से ओके आप कर दीजिए और ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर भी चेंज हो गया। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वही हाईलाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिक्स वाले पे क्लिक किया तो सिक्स वाला रो हाईलाइट हुआ, ठीक है। टेन वाले पे क्लिक किया तो टेन वाला हाईलाइट हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, जिस पे क्लिक करते हैं वही आपका हाईलाइट रहेगा। देखिए ये ऊपर वाला क्लिक किया तो ये हाईलाइट रहा, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो ये हाईलाइट रहा, इस पे क्लिक किया तो ये हाईलाइट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने सवाल अपने कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश जल्दी करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।